महाराष्ट्र में शिंदे गुट के 16 विधायकों की योग्यता पर विधानसभा के स्पीकर अभी कुछ ही दिन में फैसला लेने वाले हैं। इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उम्मीद जताई कि उनके हक में ही फैसला आएगा और उन्होंने दावा यह भी किया कि उनके पास बहुमत का आंकड़ा है। चुनाव आयोग ने उनके पास संख्या बल को देखकर ही मूल शिवसेना का नाम दिया और चुनाव चिन्ह भी इस्तेमाल करने का हक उन्हें ही दिया। ऐसे में उन्होंने उम्मीद जताई है कि स्पीकर मेरिट के आधार पर फैसला लेने वाले हैं, तो फैसले की घड़ी बेहद करीब है। ये फैसला बहुत मायने रखता है क्योंकि इससे महाराष्ट्र की सियासत पे असर पड़ने वाला है। हालांकि सरकार अगर गिरती भी है तो फिर बीजेपी गठबंधन की ही सरकार बनेगी, इसके लिए आंकड़ा है, बहुमत का आंकड़ा बीजेपी गठबंधन के पास है, यानी अजित गुट जो है उसके पास भी आंकड़ा है। 4 बजे के बाद मैं अधिकृत बात करूंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि हमारे पास मेजोरिटी है, विधानसभा में 67%, लोकसभा में 75%, हमारे पास 13 सांसद है और हमारे पास 50 विधायक है और इसी के बलबूते पर मेजोरिटी पर चुनाव आयोग ने हमें ओरिजिनल पार्टी शिवसेना पार्टी करके रिकॉग्नाइज किया है। धनुष्यमान है जो सिंबल, वो हमें रिकॉग्नाइज किया है, वो दिया हुआ है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि स्पीकर महोदय जी भी मेरिट पर हमारे को निकाल देंगे। जो रिजल्ट होगा वो मेरिट पे होना चाहिए। तो फैसला विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर को सुनाना है। उन्होंने अयोग्यता की याचिका पर कहा कि कानून में जो भी प्रावधान है उसके तहत ही फैसला लिया जाना है। अपात्रता के याचिका के ऊपर सुनवाई पूरी हो चुकी है और मैटर ऑर्डर्स के लिए रिजर्व किया गया है। इस मैटर के ऊपर आज निर्णय दिया जाएगा। ये निर्णय संपूर्ण रूप से कानून को में जो प्राविधान है, संविधान में जो प्राविधान है और सर्वोच्च न्यायालय ने जो प्रिंसिपल सेट किए हैं उसके आधार पर ही ये निर्णय लिया जाएगा। महाराष्ट्र में आज शिवसेना के शिंदे गुट के 16 विधायकों की योग्यता पर विधानसभा के स्पीकर फैसला सुनाएंगे। उससे पहले उद्धव ठाकरे गुट के संजय राउत ने कहा कि ये महज एक औपचारिकता है। विधानसभा स्पीकर का एक प्रोटोकॉल होता है। अगर विधानसभा स्पीकर एक संवैधानिक पद पर पीठासीन अधिकारी बनकर बैठा है, ट्रिब्यूनल है वो, तो अपनी कुर्सी छोड़कर जो आरोपी है, जो अपराधी है जिनके ऊपर हमने एक पिटीशन फाइल किया है और उस बारे में वो न्याय देने वाला है, उसको जाकर नहीं मिल सकते। लेकिन आप जाते हो, 2 घंटे बंद कमरे में बात करते हो और बाद में बोलता मैं फैसला दूंगा। ये कौन सा फैसला? इसे मैच फिक्सिंग बोलते हैं। तो देखिए, अब फैसला आता है तो या तो शिंदे गुट के पक्ष में आएगा या फिर उनके खिलाफ आएगा। दोनों ही सूरतों में क्या होने वाला है ये आपको इन्फॉर्मेशन वॉल्व के जरिए करके हम बताएंगे। अगर शिंदे के खिलाफ फैसला आता है तो शिंदे की कुर्सी जाएगी, क्योंकि वे खुद भी उन विधायकों में शामिल हैं और उनकी सदस्यता चली जाएगी तो वो सीएम भी नहीं रह पाएंगे। अब आगे क्या होगा? शिंदे के पक्ष में अगर फैसला आया तो जैसे अभी की सरकार है वैसे ही रहेगी, कोई ज्यादा बदलाव नहीं होगा। वहीं दूसरा ये कि अगर शिंदे के खिलाफ फैसला आया तो सरकार गिर जाएगी और फिर से सरकार बनाने के लिए दावा पेश करना होगा। शिंदे के पक्ष में फैसला आया तो शिंदे गुट के सभी विधायक सुरक्षित रहेंगे। जिन 16 विधायकों पर फैसला आएगा वे भी और शिंदे गुट के बाकी 24 विधायक भी। और अगर शिंदे के खिलाफ फैसला आता है तो सरकार गिर गई तो भी दोबारा सरकार बन जाएगी, क्योंकि अजीत पवार गुट के विधायकों का समर्थन उन्हें हासिल है और फिर से सरकार बन जाएगी। वहीं शिंदे के पक्ष में फैसला अगर आया तो उम्मीद इस बात की जा सकती है कि अजीत गुट की एनसीपी के एमएलए पर भी ऐसा ही फैसला आ सकता है। और अगर शिंदे के खिलाफ फैसला आया तो एकनाथ शिंदे सीएम नहीं रहेंगे, मुख्यमंत्री कोई और बनेगा। हालांकि बाद में एमएलसी के तौर पर एकनाथ शिंदे सरकार में वापसी कर सकते हैं और फिर से सीएम की कुर्सी पर बैठ सकते हैं। वहीं शिंदे के पक्ष में अगर फैसला आया तो देखिए, उद्धव ठाकरे गुट से और एमएलए बगावत कर सकते हैं और ऐसे में उद्धव ठाकरे गुट विधायकों के लिए व्हिप भी जारी कर सकता है। वहीं शिंदे गुट उन विधायकों को भरोसा है जिन पर फैसला आना है कि वे सही है और नियमों के तहत काम किया है, ऐसे में उन्हें कोई डर नहीं है। इस वक्त हमारे साथ खुद
संजय गुट के विधायक संजय सरसार जी, उनसे बात करते हैं। संजय सरसार जी का नाम खुद उस 16 डिस्क्वालिफिकेशन के एमएलए की लिस्ट में है। सर, काफी अहम दिन है, 4 बजे ये रिजल्ट आना है, क्या उम्मीद है, क्या लग रहा है? देखो, उम्मीद तो यही है कि निकाल हमारे साइड से लगे। वजह एक है कि हमने जो भी कोशिशें की वो रूल्स को कोई डैमेज नहीं किया, हमने रूल्स के अंतर्गत ये सब कुछ हमने किया है। इसलिए जो बेसिक होना चाहिए, तुमने ये किया क्या किया, ये किया क्या किया, ये एफिडेविट दिया क्या दिया, तो ये जो कायदे की पूर्तता जिसको आप कहते हो वो पूरी हमने कर चुके हैं। इसलिए हमको डर इस चीज का नहीं है। अब लोग बोलते हैं तुमको इतना कॉन्फिडेंस कैसा? अरे, जो भी काम करेंगे तो अगर बाय रूल अगर आपने किया है तो कॉन्फिडेंस होता होना चाहिए, अगर नहीं किया है तो तुमको डर होना चाहिए। तो इस वजह से हमको लगता है कि शाम का निकाल हमारे फेवर में आएगा। सर, इसमें अब आरोप और प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। उद्धव गुट ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन डाली है कि सीएम एकनाथ शिंदे जी और राहुल के बीच में मीटिंग हो रही है, 2 बार मिले हैं, जजमेंट से पहले मुलाकात क्यों हो रही है, इस तरीके से। देखो, इनको पिटीशन डालने के लिए स्पेशल आदमी अपॉइंट किया है, इनको पता है कुछ भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट, कुछ भी हो जाए सुप्रीम कोर्ट। अरे, क्या मजाक लगा रखा है? जो आदमी जस्टिस की भूमिका में, वो किसी से मिलने से बात करने से निकाल चेंज नहीं कर सकता। ये निकाल का सिर्फ महाराष्ट्र को प्रतीक्षा नहीं है, पूरे देश को है। ये बेस होने वाला है, आगे चल के अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसके लिए ये अहम चीज माने जाने वाली है, ये निकाल के।